जी दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार। देखिए, 4 मार्च को हमारे ऑफिस पे इंटरव्यू है बहरीन का, फिनिशिंग कारपेंटर और वुड पॉलिशर का। सैलरी 120 बीडी है, पासपोर्ट ईसीएनआर या ईसीआर दोनों चल जाएगा। उम्र जो है 21 से 46 साल तक चल जाएगा दोस्तों। इसमें सिर्फ विदेश रिटर्नर कंपनी आदमी मांग रही है, ओनली सिर्फ और सिर्फ विदेश रिटर्नर ही कंपनी को चाहिए मेरे भाई। तो एक नंबर की कंपनी है बहरीन की, इसलिए मैंने लिख दिया बहरीन की नंबर वन कंपनी और बहुत ही बेहतरीन कंपनी। इसमें फिनिशिंग कारपेंटर 50 चाहिए, 120 बीडी, 8 घंटे की सैलरी है, उसके बाद ओवर टाइम है, रहने के लिए कंपनी किचन फैसिलिटी दे रही है, रूम एकोमोडेशन सारा दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी है, वुड पॉलिशर चाहिए, देख रहे हैं लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश होता है उसमें भी 120 बीडी है, ठीक है। और इसके बाद 8 घंटे के बाद ओवर टाइम है दोस्तों। और इसमें जो है देखिए, हमने नंबर डाल दिया है, जो साथी बहुत दूर से है और 4 तारीख को आना चाहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, ये मेरे ऑफिस का नंबर है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अपना वीज़ा भी चेक करवा सकते हैं, ऑफर लेटर भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी साथी स्टेट में इंटरव्यू मानना चाहते हैं, इसमें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। जो साथी पास के हैं, आना चाहते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो डायरेक्ट मेरे ऑफिस पर ही आ जाएंगे 4 तारीख को। लेकिन सुबह थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह कंपनी में भेजना रहता है। और सिर्फ इसमें विदेश रिटर्नर ही चाहिए, फ्रेश आदमी एकदम नहीं चलेंगे। वॉल पेंटर का भी इसमें पहले वैकेंसी था लेकिन अब खत्म हो चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश है, वॉल पेंटर के जो भी साथी आ रहे हैं ऑफिस में मत आए, क्योंकि फुल हो गया वैकेंसी। लोगों ने 50 आदमी चाहिए थे लेकिन लगभग 60 से 70 लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और ये फिनिशिंग कारपेंटर पॉलिशर 50% चाहिए, जैसे ही फुल होता है हम लाइन में लाइव आके बता देंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो है यह कंपनी बहुत ही अच्छी है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, सलाम आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, आप बात करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। बाकी बहुत ही अच्छा लगता है, देखिए एक दोस्त हमारे कश्मीर से आए हैं और क्या क्या लेके आए हैं, उनसे भी बात कराता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का विश्वास बना हुआ है और कश्मीर इतने दूर से। ए सचिन भाई, सचिन विकास, वो कश्मीर से जो आए उनको भेजिएगा, विकास कश्मीर से तुरंत भेजिए। तो कश्मीर से देखिए झोला लेके आए हैं भाई साहब, इनका वीजा निकल गया है और सऊदी जा रहे हैं, लेकिन ये झोला यही जो है असली कमाई है कश्मीर का जो है। बोल रहे हैं सर हमारे तरफ बहुत होता है। और ये देखिए कश्मीरी ड्राई फ्रूट लेके आए हैं, अपने बागान अपने खेतों से सारी चीज़ें तोड़ के लाए हैं, ठीक है। मैं खिला तो नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन सोचा दिखा दूँ। कहीं कहाँ हैं विकास, कहाँ हैं सचिन, लग रहा है कहीं बाहर अभी रख के चले गए हैं, आते हैं मैं आपसे उनसे भी बात कराता हूँ। हाँ, और जो है अब आप लोगों से बात करना मैं शुरू करता हूँ। बाकी साथियों देखिए, कमेंट वगैरह में जो है फोन नंबर ना डालें, क्योंकि हमारा जो है कोई भी फोटो लगा के आपके साथ फर्जीवाड़ा कर सकता है, आपका भी कोई फोटो लगा के बोल सकता है कि हम फला बोल रहे हैं। कुछ देर के लिए आदमी कहाँ है, और जो है कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं वीडियो शेयर करें ताकि हम बात कर सकें आपसे। संदीप मौर्य साहब ने शेयर कर दिया, सजाद भाई भी, श्याम सुंदर सर इंडिया का लाइसेंस, सुशील कुमार राव साहब भी, आप भी शेयर करिए ताकि आपका नाम ले सकें कम से कम। संजय यादव भाई बात करना चाहते हैं, लीजिए मैं कॉल लगाता हूँ आपको। भाई मैं आपको लगाता हूं, नासिर भाई इधर आइए, देखिए हम लाइव आए हुए थे और आपका मैंने दिखाया है। आप कश्मीर से, एक बात नहीं समझ में आता है कि इस लाइन में विदेश भेजने की लाइन में, बैठ जाइए आराम से, विदेश भेजने के लाइन में इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, गलत करें सही कहना है। 100 में देखा जाए तो लगभग 80-90 लोग फरार कर रहे हैं। तो आप इतने दूर से आए, आपको डर नहीं लगा कि इतने दूर से जा रहे हैं दूसरे? यही सबसे विश्वास यही है ना, जब विश्वास है कि यहाँ एक नंबर काम होता है, यहाँ दो नंबर काम नहीं होता है। किसी का मेडिकल करवाते हैं, नहीं हुआ तो पैसा उसका रिटर्न कौन करता है? आजकल के जमाने में कोई नहीं करता है, इसलिए ये विश्वास करके आए इतने दूर से। हर एक आदमी तो परेशान होता है, हमने जब ईमानदारी देखी तो हम लोग इतने दूर से आए, 2000 किलोमीटर है,
यहाँ से 2000 किलोमीटर है। तो अपने घर से निकलना है काश्मीर से आना, तो कैसे लोग आते हैं? सर जब मैं जम्मू तवी आता हूँ, जहाँ से ट्रेन आती है, वहां से 200 किलोमीटर मेरा घर है दूर। तो बस मन से बस से कहाँ? आता हूँ, जब बस से एक बस मतलब दो बस पकड़ना पड़ता है, एक बस अपने घर से निकलेगा फिर दूसरी बस पकड़ूंगा, वो 200 मतलब 240 किलोमीटर है, और उसके बाद हमको ट्रेन मिलती है। तो इतने दूर इसलिए आने का यही मतलब है कि विश्वास था, यहाँ एक नंबर काम होता है, यहाँ कुछ हेरा फेरी वाली नहीं है, वो एजेंट एक बार पैसा ले लिया बाद में मिलते नहीं, ये सबसे विश्वास होता है, और यहाँ एक नंबर काम होता है, ये सीधी सी बात है। अगर मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि जहाँ कोई भी आदमी अपनी आंखें बंद करके आए और अपना काम करवाए 100%। बाकी ऐसा ईमानदारी हमको भी बहुत साल हो गया, विदेश भी रहे हैं, लेकिन ऐसा ईमानदारी हमने पहली बार देखा, जहाँ जो भी काम होता है वो 100% होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना ज्यादा आपने तोहफा लेके आया है, ये तोहफा हमारे तरफ से रखिए। देखिए हमने खाया भी, हमारे स्टाफ भी खाया, इसको आप सऊदी लेके जाइएगा, इसको रख लीजिए पूरा पैक करके, ठीक है? आपने तोहफा लाया? नहीं, ठीक है, हमने खाया, देखिए आपके सामने खाया ना, ठीक है, अपने पास साथ ले जाइएगा, ठीक है, बैठ जाइए, टिकट वगैरह बारे में उन लोगों से पूछ लीजिए, विकास जी से, आपको टिकट वगैरह करके दिया जा रहा है। बाकी साथी कोई बात करना चाहता है वीडियो शेयर करें एक बार, ताकि हम बात कर सकें आप। पांच दो 2023 कोई और साथी है जो बात करना चाहता है वीडियो के ऊपर शेयर करिए। साकिब करीम साहब, लीजिए मैं आपको कॉल करता जी। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, आवाज मेरी जा रही है दोस्त? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? नहीं जा रही है आवाज, लग रहा है नहीं, इंटरनेट के उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। और कोई साथी बात करना चाहते हैं वीडियो के ऊपर शेयर करें, ताकि हम बात कर सकें। साकिब करीम साहब, मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, या रिसीव किया तो शायद आपके यहाँ इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है। कोई भी साथी अपना मोबाइल नंबर ना डाले मेरे भाई, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? दीपक कुमार जायसवाल साहब, सब्जी वाली रिक्वायरमेंट, सब्जी वाली थोड़ा टाइम लेगा दोस्त, क्योंकि इसी महीने में रमजान का महीना भी शुरू है, रमजान के महीने में थोड़ा सारी कंपनियों में काम लगभग नहीं रहता है। कोई साथी है जो बात करना चाहता है? कोई साथी है जो काम बात करना चाहता है? प्लम्बर का जॉब है सर? देखिए लाइव देखते रहिए, बाकी दो चार 10-20 आदमी का रिक्वायरमेंट आता है तो हम लोग लाइव नहीं आते हैं, जिनका पासपोर्ट वगैरह जमा रहता है उन्हीं को कॉल करके लगा के वीजा मंगा दिया है। रोशन मौर्या साहब, मैं आपका चेक कर रहा हूँ, और आपका देखिए फाइल ही मेरे सामने खुला हुआ है, आपका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा आपका। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? लगी ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर किया है। अभी कहाँ कमांड है? अभी बहरीन का है, वुड पॉलिशर चाहिए या फर्नीचर कारपेंटर चाहिए, विदेश रिटर्न जो है, ठीक है, उनका काम जो है हो जाएगा। 4 तारीख को इंटरव्यू है, इंटरव्यू दीजिए, तुरंत ऑफर लेटर लीजिए। इसके लिए जो है आप लोग जो भी साथी दूर से हैं, अप्लाई बाय फोन भी कर सकते हैं, ताकि ये देखिए ये अप्लाई आप बाय फोन से भी कर सकते हैं, और जो है अपने यहाँ बड़ी सिस्टमेटिक काम होता है हमारे, अप्लाई जैसे ही करेंगे हमारे वेबसाइट पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, पूरा का पूरा ऑनलाइन आपका सिस्टम दिखने लगेगा। ये हमारे ऑफिस का नंबर है 7880600047, इस पे अपना जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सिर्फ फिनिशिंग कारपेंटर और पॉलिशर वाले ही करा सकते हैं, बाकी दूसरे ट्रेड का नहीं। जब वांट आएगा आपके ट्रेड का तो उसमें भी बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अपना जो है पासपोर्ट, इस नंबर पे व्हाट्सएप आपको अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सारा भेजना पड़ेगा, प्लस 500 रुपये चार्ज लगता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, कुछ जो है ऑनलाइन ही पेड करना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। जिसे आप जो है ऑनलाइन बैठे बैठे अपना, देखिए यार गलत या जो है किसी भी तरह का, मैं बड़ी सीधा साधा आदमी हूँ मेरे भाई, ठीक है। दीपक जायसवाल भाई, मैं कॉल कर रहा हूँ दीपक भाई, दीपक
जयसवाल भाई, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, आपने काट दिया था, मैं लगाया हूँ। परवीन चौरसिया साहब, और कोई साथी कुछ सवाल इस लाइन में पूछना चाहता है तो बताए, जिसका जवाब देने में हमको भी अच्छा लगे, जो लोगों के नॉलेज में बेहतर हो सके। 478 लोग देख रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब लीजिए, मैं दोबारा आपको कॉल कर रहा हूँ। जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ठीक वालेकुम सलाम अब्दुल भाई, क्या हाल चाल है? कहाँ जी। बात आप कैसे हैं कर रहे हैं? सर? मैं महाराजगंज जिला फरिंदा से बोल रहा हूँ जी, बताए ना, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा इंटरव्यू हुआ था ट्वेंटी एक मिनट एट अब्दुल का जनवरी एक को। मिनट जी एक मिनट अब्दुल कादिर नाम है आपका? क्लीनर जी कतर के लिए। जी यूएसएम में? हाँ, जी जी ऑफर लेटर भी आपका आया, वीजा भी नहीं आया अभी। देखिए, 4-5 आदमी का तो वीजा आ गया, उनका टिकट हो गया है, समझ रहे किसी हैं? कंपनी में। जी यूएसएम में, यूएसएम में आप दिए थे ना इंटरव्यू, जो इंग्लिश में पूरा बात कर रहा जी था। आपका ऑफर जी लेटर भी आया है ना? हाँ, जी थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो जाएगा। क्योंकि अच्छा अभी ओके सर जो ओके लोग इंटरव्यू दिए थे उसमें से सारे लोग का जी वीजा आ गया, आपका और एक आदमी और उसका, 2 आदमी का सिर्फ वीजा बचा हुआ है। ठीक है, तो कंपनी अच्छा बोल रही थी जी जी कि जो है टिकट वगैरह जैसे ये बना के देते हैं फिर आगे के देंगे, तो लोगों का टिकट हो गया है, आपका हो जी जाएगा। ठीक ओके सर। कितना कितना टाइम लग सकता है सर तकरीबन? अब देखिए, ज्यादा टाइम नहीं, हफ्ता 10 दिन का ही टाइम मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, अगर आप इसमें समझ लीजिए हफ्ता 10 दिन ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हफ्ता 10 दिन में नहीं आए तो समझ जाएगा इसमें नहीं हुआ आपका, जान लीजिए। हाँ, फिर दूसरे में इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके सर ओके ओके। थैंक यू सर। लेकर आने के बाद मुझे काम नहीं मिल रहा। सुनील प्रजापति भाई, मैं लगा रहा हूँ। सुनील भाई, लगाया हूँ कॉल। सुनील भाई नमस्कार, सुनील भाई साहब, सुनील भाई साहब, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन कॉल मैं दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। वीडियो कॉल एक्सेप्ट करके लगाइए ताकि लोग आपकी मदद कर सके। अपना दुबई का फोन नंबर भी बताइएगा, हमसे जो भी हो पाएगा मदद करेंगे। और हमारे जो जी, हेलो, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ना आवाज ना वीडियो, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, लग रहा है आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है। सुनील प्रजापति भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका ना ही आवाज ना ही वीडियो कुछ नहीं आ रहा है। ईयरफोन लगाए हैं तो निकाल दीजिए। सुनील भाई, रामेश्वर यादव भैया भी हमारे शेयर कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। और इरफान खान साहब, मैं लगाता हूँ। इरफान भाई, मैं आपको कॉल लगाया हूँ। और कुछ साथी हैं जो बात करना चाहते हैं, वीडियो को एक बार शेयर करें ताकि हम बात कर सकें आपसे। जी इरफान भाई, सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम, सर हेलो, सलाम आपको वालेकुम, सलाम रहमतुल्लाहि वबरकात। कहाँ बात कर रहे हैं कॉल इरफान भाई? करना था। बनारस से हूँ अच्छा, बताए ना आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? भाई, मेरे पास कतरी लाइसेंस है। ठीक है, जी मैं कतर नहीं जा सकता। और कोई ड्राइवर का कोई वैकेंसी है थोड़ा सा, प्लीज आप मेरा मदद करें। लाइसेंस कहाँ का है आपके पास? कतरी है, कतर का। कतर का है तो आ जाइए ऑफिस में, ऑफिस में आके अपना डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर लीजिए। जीसीसी लाइसेंस वालों का तो हरदम बराबर जो है वैकेंसी निकलती रहती है हमारे ऑफिस में, जान लीजिए। बहरीन का, कुवैत का, दीपक कुमार जायसवाल साहब, देखिए ना, ये फिर से मैं कॉल कर रहा हूँ। हेल्पर का है। और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? आप कॉल भी, आप एक्सेप्ट नहीं, डिसलाइन पे दबा दे रहे हैं। जैसा जी आप पे जा रहा है लेकिन आप गलत बटन दबा दे रहे हैं, नहीं पा रहे। जो दबा रहे हैं वो उसका दूसरा, उसका बगल वाला बटन दबाएंगे तब जाके होगा, दूसरे ऑप्शन पे। देखिए, मैं फिर से लगा रहा हूँ।
और कोई साथी है जो बात करना चाहता है? कोई साथी है जो बात करना चाहता है, कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आपके साथों में?